लोकपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीबीआई ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने रिश्वत मांगी थी, 1 लाख की रिश्वत इन्होंने मांगी। कॉन्ट्रैक्टर के मेडिकल बिल पास करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। सीबीआई ने घर और ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की थी और इस दौरान आपको बता दें कि एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। आकर्ष, पूरा मामला क्या है ये? साहिदा, जिस तरीके से हमने देखा कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह 1 लाख की रिश्वत लेते सापरा थाना इलाके से एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद ही जो एम्स में जो एम्स का जो बात करें, एम्स में भी विभागीय कार्रवाई इनके ऊपर करने के लिए अनुशंसा दिल्ली भेज दी गई थी और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बिल पास कराने के एवज में ये 1 लाख रुपए की मांग की थी, उसके बाद बात करें तो उनके घर पर और उसके बाद ऑफिस जो एम्स में है वहां पर भी उनके दोनों घरों को सील कर दिया गया था। वहां पे सीबीआई की टीम पहुंची थी और इसके बाद अनुशंसा की गई थी एम्स के डायरेक्टर के द्वारा, इनकी जो सीबीआई ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अभी सीबीआई इनसे लगातार पूछताछ कर रही है, आय से अधिक संपत्ति के बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक शख्स से नहीं, कई लोगों से इस तरीके से पैसे वसूले होंगे और यही कारण है कि इस तरीके से अब विभागीय कार्रवाई की गई और साथ में सीबीआई का शिकंजा तो इनके ऊपर कसा ही हुआ है, जो आने वाले समय में और भी राज उगलेगा कहीं ना कहीं। जी आकर्ष, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है।